मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है। कोई कहेगा मेरी पत्नी ठीक नहीं है, पति कहेगा पति ठीक नहीं है। किसी से पूछा जाए तो कोई अपने जीवन से खुश नहीं है। हर आदमी अपने जीवन से दुखी है और परेशान है। क्या मनुष्य जीवन दुख के लिए मिला है? क्या मनुष्य जीवन में आदमी सुखी नहीं हो सकता है? 95% लोग अपने जीवन से दुखी है, क्योंकि आदमी अपने अंदर इतनी चाहनाएं और इच्छाएं बढ़ा ली तो कभी वह सुख का अनुभव ही नहीं कर सकता है। एक बहू कहती सासू माँ ठीक नहीं है, सासू माँ कहती बहू ठीक नहीं है, पति कहता है पत्नी ठीक नहीं है, और पत्नी कहती पति ठीक नहीं है। कोई कहता है मेरा दामाद ठीक नहीं, दामाद कहता है ससुर सासू माँ ठीक नहीं है। तो एक दूसरे को दोष लगाते हैं। अपने जीवन का जिम्मेदार आदमी अपने स्वयं है। आप अपने जीवन से खुश होना सीखिए। आपके पास जो है आप उसमें संतोष, आशा परम दुखम निराशम परम सुखम, आशा ही दुख का कारण है और निराशम संसार से उदासीनता ही सुख का सच्चा स्रोत है। आप किसी को बदल नहीं सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये सत्संग को परिवर्तन और परिवर्तक कहा गया है। यहाँ आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। आप भले किसी को न बदल पाए, आप अपने आप को बदल लीजिए, अपने जीवन से खुश होना सीख लीजिए। यही जिंदगी की सफलता है। मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बार एक संत जी किसी रास्ते से जा रहे थे। पेड़ के पास संत ने सोचा गर्मी का मौसम है, मैं बैठकर थोड़ा ध्यान कर लूँ, सुकून महसूस कर लूँ। संत पेड़ के पास बैठ गया। पेड़ के पास बैठकर ध्यान करने लगा। एक बूंद पानी की बूंद गिरती है। संत ने ऊपर देखा, पानी की बूंद कहाँ से गिर रहा है। संत ने ऊपर देखा तो एक पेड़ पर कौवे रो रहा है। संत ने पूछा, कौवे क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? कहा कि महाराज ये बताने वाली बात है। संत ने कहा बताओ क्या हुआ। कहा मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ, मैं अपने जीवन से निराश हूँ। संत ने पूछा तब तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या होना चाहते हो? कहा कि कौवे के जीवन बदल कर क्या और भी कोई जीवन जी सकता हूँ। कहा संभव है, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? कौवे ने कहा मैं तोता बनना चाहता हूँ। तोता का क्या जीवन होता है, हरे हरे पंखे होते हैं, लाल लाल होंठ, क्या मस्त का जीवन होता है, मैं तोता बनना चाहता हूँ। संत ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ, जाओ तुम तोता से पहले मिलकर आओ। कौवा पेड़ से उड़ता है और तोते के पास जाता है। तोते भाई कहाँ हो? 3-4 बार आवाज़ लगाई। थोड़ी देर बाद एक बूढ़े कौवे निकलता है, एक बूढ़े तोता निकलता है। कहा क्या हुआ भाई, बताओ क्यों चिल्ला रहे हो? कहा कि मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ और मैं भी तोता आपके ही जैसे जीवन जीना चाहता हूँ, क्या आप अपने जीवन से खुश हैं? तोता ने कहा तुम्हें किसने बता दिया मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मैं अपने जीवन से जीवन में प्रसन्नता और सुख का महसूस करता, तुम्हें किसने बता दिया? कहा क्या आप अपने जीवन से आप भी खुश नहीं है? कहा मैं भी अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। कौवे ने पूछा क्यों तुम उदास हो, क्यों तुम निराश हो अपने जीवन से? कहा जो पक्षी आकाश में उड़ने वाला मंडराने वाले पक्षियों को आदमी पिंजड़े में बंद करके रखता है और समय आने पर भोजन देता है, क्या ये भी कोई जीवन होता है? जो आदमी आकाश में उड़ने वाले
खुशियों का जीवन जीने वाले उन्हें आदमी ने पिंजड़ा में बंद करके रखा, क्या मैं अपने जीवन से कभी खुश हो सकता हूँ? तोता कौवा ने सोचा बड़ा मुश्किल है, वहाँ से उड़ता है फिर संत के पास आता है। संत जी से कहा, महाराज मुझे तोता मत बनाइए। कहा, तब तुम क्या बनना चाहते हो? कहा, मुझे मोर बना दीजिए, मैं मोर बन जाऊँगा। संत ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें मोर बना देता हूँ, लेकिन तुम एक बार मोर से तो मिलकर आ जाओ। कौवा पेड़ से उड़ता है फिर मोर के पास जाता है, चिल्लाता है, मोर भाई कहाँ हो, आओ। उसमें से मोर ने देखा, अपने पंख को समेट कर उड़ना चाहा। मोर ने कहा, बताओ कौवा भाई क्या है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, मेरे पास समय नहीं है। कहा कौवा ने कहा, मैं भी आप ही जैसे जीवन जीना चाहता हूँ, आप ही जैसे मैं जीवन जीना चाहता हूँ, मैं भी मोर बनना चाहता हूँ। आपका क्या जीवन है, आप कितना नाचते हैं, कितना खुशी मनाते हैं, आपका जीवन बहुत सुंदर है। मोर ने कहा, तुम्हें किसने बता दिया कि मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मैं अपने जीवन से खुश हूँ, प्रसन्नता का महसूस करता हूँ, तुम्हें किसने बता दिया? कहा कि आप भी अपने जीवन से खुश नहीं है? कहा, तुम थोड़ा स्थिर होकर सुनो, कुछ आवाज़ आ रही है। कहाँ आवाज़ आ रही है? सनसनाहट की आवाज़ आ रही है। मोर ने कहा, मेरे पीछे शिकारी लगा हुआ है, मैं अगर यहाँ से न उड़ूँ तो मेरे पंख को नोच नोच कर आदमी ये बाजार में ले जाकर बेच देगा, मेरा जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। तो कौवा ने कहा, आप भी अपने जीवन से खुश नहीं है? कहा, बिल्कुल खुश मैं अपने जीवन से नहीं हूँ, मैं अपने जीवन से बहुत उदास हूँ, मैं अपने जीवन से बहुत निराश हूँ, शायद हमारे जैसे इस संसार में कोई दुखी नहीं होगा। कौवा ने वहाँ से फिर उड़कर संत जी के पास आते हैं। कहा, संत जी मुझे मोर मत बनाइए। कहा, तब मैं तुम्हें क्या बनाऊँ बताओ? कहा, मुझे हंस बना दीजिए। हंस का जीवन क्या होता है? मान सरोवर में रहता है, पानी में रहता है, उनका जीवन कितना सुंदर होता है, स्वच्छ होता है। संत ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें हंस बना देता हूँ, लेकिन तुम एक बार तो हंस से मिलकर तो आ जाओ। कौवा वहाँ से उड़ता हंस के पास जाता है और हंस से कहता, हंस भाई क्या आपका जीवन है, कितना स्वच्छ पानी में आप मान सरोवर में रहते हैं, आपका जीवन बहुत सुंदर है। हंस ने कहा, तुम्हें किसने बता दिया मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मैं अपने जीवन में प्रसन्नता का महसूस करता हूँ, तुम्हें किसने बता दिया है? मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, मैं अपने जीवन से बहुत उदास हूँ, मैं अपने जीवन से बहुत निराश हूँ। आदमी को ऐसे लगता है कि शायद हम इस दुनिया में हमसे अधिक दुखी कोई नहीं है। बंधुओं, आपसे भी अधिक दुखी कोई है इस संसार में। तो कहा, मैं हंस का जीवन जीना चाहता हूँ, क्या आप अपने जीवन से खुश नहीं है? हंस ने कहा, मैं मान सरोवर और पानी में रहता हूँ, मेरा शरीर और पानी एक ही जैसे है, लोग मुझे देखने आते हैं, मेरा पंख भी पता नहीं चलता है, लोग मेरे शरीर का तस्वीर लेता है कि पानी का तस्वीर लेता है, पता नहीं चलता है। मैं अपने जीवन से बहुत उदास हूँ, मैं अपने जीवन से बहुत निराश हूँ। फिर कौवा वहाँ से उड़कर संत जी के पास आते हैं। संत जी से कहा, महाराज आपने मैंने पूरी दुनिया को देख लिया, हर आदमी अपने जीवन से परेशान है। किसी शायर ने बहुत ही सुंदर कहा है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में कितना चहकता है, फूल को देखो तो मस्ती में कितना खिलता है, भगवान इस इंसान को क्या हो गया, जब देखो तब रोता और कूड़ता है, भागता है, अपने जीवन से परेशान है। फूल को देखो, जो खुशियाँ जो आनंद की प्राप्ति हमें अपने परिवार के लोगों में होना चाहिए, एक भाई में, देवरान जेठान में होना चाहिए, आपस पड़ोस में होना चाहिए, लेकिन वो खुशियाँ हम किसी मोर पक्षी और तोते के पास खोजते हैं। जो खुशियाँ जो आनंद की प्राप्ति पति पत्नी में होना चाहिए, प्रेम का जीवन होना चाहिए, वहाँ एक दीवार खड़ी हो गई। तो क्या ये भी कोई जीवन है? आप मनुष्य का जीवन पाए हैं, आप मनुष्य का जीवन मिला है आपको, आप बहुत सौभाग्यशाली। इस कहानी का सार इतना ही है, कौवे नहीं, हमारे जीवन में जो दुख और तकलीफें आती हैं, हम सोचते हैं हमसे ज़्यादा कोई दुखी नहीं है। गुरुदेव जी के पास एक व्यक्ति, एक सज्जन आए थे मिलने के लिए, और गुरुदेव जी से कहा कि
महाराज गुरुदेव जी, मैं बहुत दुखी हूँ, संसार में हमसे अधिक दुखी कोई नहीं होगा। गुरुदेव जी ने कहा, पूरी दुनिया के तुमने ढूंढ कर देख लिया? कहा, हाँ गुरुदेव जी, मैंने पूरे दुनिया को ढूंढ कर देख लिया, हमसे अधिक दुखी नहीं है। गुरुदेव जी ने उत्तर दिए, क्या तुम्हारी पत्नी को कोई चुरा कर लेकर चले गया? कहा, नहीं, पत्नी भी घर में है। कहा, तुम्हें घर से कोई निकाल दिया? तो कहा, नहीं महाराज, मैं घर में ही रहता हूँ। तो गुरुदेव जी ने कहा, तब तुम श्री राम से अधिक दुखी नहीं हो, क्योंकि श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में निकाल दिया गया, उनकी पत्नी सीता को रावण ने चुरा कर ले गया, 20-22 महीना लंका में रहना पड़ा। तुम घर में रहते हो, अपने परिवार में रहते हो, फिर भी तुम अपने जीवन में क्यों दुखी हो, तुम क्यों परेशान हो? आप सोचते हमसे ज़्यादा कोई दुखी नहीं है, आपसे भी अधिक दुखी है। एक मुल्ला जी नमाज पढ़ने जाते थे और कहते, है अल्लाह मियाँ, तूने क्या किया, मेरी पैर में एक जूती भी नहीं दिए हो, मेरी पैर में एक जूती भी नहीं दिए हो। अल्लाह मियाँ से शिकायत करता था। जब एक मस्जिद के सामने जाता है और देखता है एक आदमी को दोनों पैर और हाथ कटा हुआ है, तब उन्होंने कहा, है अल्लाह मियाँ, तूने तो सही किया, मेरा पैर और दोनों हाथ सही है, मैं कमा कर जूती क्या अच्छे चप्पल खरीद सकता हूँ, अच्छा जीवन जी सकता हूँ। तो आपके पास जो दुख है, जो तकलीफें हैं, आपने खुद बनाए हैं। आप अपने जीवन में खुश होना सीख जाइए, यही जीवन की सफलता है और यही जीवन की सार है। आपको किसने दुख दिया, किसने आपको तकलीफ दिया, आपने स्वयं बनाए हैं। तो आदमी दुख में भी सुख का महसूस कर सकता है। आदमी के पास रहने के लिए मकान है, खाने के लिए भोजन है, लेकिन फिर भी आदमी दुखी है, परेशान है। आदमी अपने दुख से जितना दुखी नहीं है, उतना आदमी दूसरों को सुख से दुखी है। आदमी अपने दुख से जितना दुखी नहीं है, उतना आदमी दूसरों को सुख से दुखी है। एक बहन जी एक संत के पास मिलने के लिए आई और संत से कहा, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ? संत ने कहा, तुम्हें खाने के लिए नहीं मिलता है? बहन जी ने कही, खाने के लिए ड्राम ड्राम चावल है। संत ने कहा, पहनने के लिए कपड़े नहीं है? कहा, पहनने के लिए बक्सा बक्सा कपड़ा है। संत ने कहा, फिर तब क्यों दुखी हो, तुम्हारे पास लड़के बच्चे नहीं है? बहन जी कहती, लड़के बच्चे भी है, रहने के लिए मकान भी है। संत ने कहा, तब फिर तुम दुखी क्यों है? बहन जी कहती, रहने के लिए 2 महला मकान है, खाने के लिए ड्राम ड्राम चावल है, बक्से भी है, सब कुछ है, लड़के बच्चे भी है, 2 महला मकान है, मैं अपने जीवन से दुखी हूँ। संत ने कहा, तुम क्यों दुखी हो? कहा, जब से पड़ोसी का 3 महला बन गया, तब से अन्न ही नहीं धंसता है, भला बताओ उसका जीवन कैसे होगा, वो अपने आप में कैसे खुश हो सकता है? आपके पास 2 महले मकान है, आप उसमें सुख का आनंद का जीवन नहीं जी सकते हैं, आप उसमें प्रसन्नता का जीवन नहीं जी सकते हैं। पड़ोसी का 3 महला बन गए तो आप उनको देखकर जलते हैं, तो क्या आप कभी खुश हो सकते हैं? आप कभी खुश नहीं हो सकते हैं। अगर पड़ोसी के बच्चे पढ़ने में 1st डिवीजन आ गया तो आपकी मुँह चंडाल की तरह हो जाते हैं, आप अपने बच्चे से अपने पड़ोसी से खुश नहीं होते हैं। आप अगर अपने जीवन से खुश होना चाहते हैं तो आप दूसरों को भी सुख देना शुरू कर दीजिए। आपको अगर प्रेम चाहिए तो आप दूसरों को प्रेम देना सीख जाइए। आप दूसरों को देख कर जलिए मत, क्योंकि माचिस खुद जलती है तब दूसरे वस्तुओं को जलाती है। आप दूसरों को देखकर जलेंगे, आपका मन खराब होगा, आपका विचार खराब होगा, आपका जीवन खराब होगा। आपका अगर जीवन खराब हो गया, आपका विचार अगर खराब हो गया, तो आप जीते जी अपने जीवन में नरक का अनुभव कर रहे हैं। आप अपने जीवन में स्वर्ग बसा लीजिए, आप अभी स्वर्ग जीते जी अपने जीवन में स्वर्ग बसा लीजिए, तो मरने के बाद भी आपको स्वर्ग मिलेगा। आप जीते जी अपने जीवन में नरक का अनुभव कर रहे हैं, दुख का महसूस कर रहे हैं, तो मरने के बाद आपको दुख ही मिलेगा, क्योंकि आप अपने जीवन को सुंदर नहीं बनाए। आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए सीख जाइए। जो भी चीज़ आपके पास है, जो भी बच्चे हैं, पति पत्नी जैसे भी है, आप पति पत्नी तो नहीं बदल सकते हैं, आप किसी को नहीं बदल सकते। आप अपने जीवन को बदलिए, अपने आप को बदल लीजिए, तो आप अगर बदल जाएंगे, आप अगर सुधर जाएंगे, आप अपने जीवन में सुख का अनुभव करेंगे, तो औरों को भी
आप सुख पहुंचाने की कामना करेंगे। आप खुद दुख में सड़ रहे हैं, जैसे एक मछली सड़ जाती है तो पूरे तालाब को गंदी कर देती है और बदबू फैलाती है, वैसे ही आपका अगर जीव